नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और अभी सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आज इस NCL क्रिकेट लीग का ये दूसरा दिन का जो मैचेस चल रहे हैं, अंडर 16 के दोनों ही टीमें इस मुकाबले में लड़ रही हैं। ये पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 8 रन बने हैं और एक विकेट चलता बना है। अभी इस बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। सभी दर्शकों का और जो लाइव देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। नेशनल क्रिकेट लीग में इस बार दिशा से भटके और एम्पायर की बाजू में फैली वाइड गेंद अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ। दो मजेदार टीम इस मुकाबले को लड़ रही है। NCL के प्लेयर्स कशमकश करते हुए इस मुकाबले की इस ओवर में अगली बार लंबे रन अप के साथ एम्पायर की बगल से निकले क्रीज के कोने से ये गेंद। इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई और अच्छा सम्मान दिया बल्लेबाज ने। रन बनाने की फिर से कोई गुंजाइश नहीं। ये गेंद इस बार फिर दिशा से भटके और वाइड गेंद। इस ओवर में अगली बार बढ़िया गेंद और बहुत ही शानदार ओवर करते हुए लगातार तुषार, अच्छी कप्तानी करते हुए इस मैच की। इस ओवर में अगली बार लंबे रन अप के साथ हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया क्रीज के कोने से ये गेंद, फिर दिशा से भट के और फिर एम्पायर की बाजू में फैली वाइड गेंद। सुबह के 70 में थोड़ी औस की वजह से आज लेट शुरू हुआ मैच। इसी बीच इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ के ओवर द विकेट, बढ़िया शॉट, क्लास शॉट, लेकिन रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। धीमी शुरुआत, 11 रन बने हैं और एक विकेट के नुकसान पर वापस पवेलियन में। इस ओवर में अगली बार ये गेंद, फिर वाइड गेंद। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग का मुजहरा पेश करते हुए नेशनल क्रिकेट लीग के एम्पायर्स। कटारिया ग्राउंड जयपुर में ये मुकाबले चलते हुए, बहुत ही शानदार ग्राउंड है, आउटफील्ड थोड़ी सी तेज है और इस ओवर में अगली बार ये गेंद, फिर दिशा से भटके और फिर एम्पायर की बाजू फैली लगातार असंतुलित गेंदबाजी। लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी अगर इस अतिरिक्त रनों पर रोकना होगा तो। स्कोर जा पहुंचा 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अगली बार इस बार बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। बॉलर ने पूछिए सदी हुई शुरुआत, गेंदबाजी में प्रभावशील अभी तक गेंदबाजी देखने को मिली है। एक विकेट छटक चुके हैं
अंडर 16 के ये मैचें चलते हुए कटारिया ग्राउंड जयपुर में, और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए इस गेम को। और बड़ी अच्छी लीग है, यहाँ पर आप एक अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आप अच्छा सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छी प्लेटफॉर्म है ये जगह, और NCL टीम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए इस ओवर में अगली बार लंबे रन अप के साथ बढ़िया शॉट खेला और हल्की सी मिसफील्डिंग हुई, रन लेना चाहते थे। ओ, अगर ये डायरेक्ट थ्रो होता तो फिर रन आउट हो सकते थे। मिसफील्डिंग, दोनों खिलाड़ियों से ओवर थ्रो के रूप में एक रन और पूरा कर लिया। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 14 रन। एक विकेट के नुकसान पर अभी भी कहीं ना कहीं गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, लगातार प्रेशर में डाले हुए हैं गेंदबाजी को। चलिए इस ओवर में अगली बार ये गेंद, ओ ये बहुत बढ़िया गेंद, ये लेंथ अच्छी है, टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आती है और उसे अच्छा सम्मान देते हुए बल्लेबाज रोक के रखा है आज इन बल्लेबाजों को, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए लंबे कद के खिलाड़ी। श्रीधर शर्मा, श्रीधर इस ओवर में अगली बार बड़ी अच्छी, बस सभी को प्रभावित किया आज इसी ओवर में। मुझे देखने को मिला है कि ज़्यादातर गेंदें जो है ना वो लाइन और लेंथ के मुताबिक कभी हल्की सी नीची रहती है, कभी थोड़ी सी उछाल के साथ गेंद बहुत ही अच्छे पेसेस के साथ गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अगली बार। इस बार खूबसूरती के साथ शॉट खेला लेकिन पीछे फील्डर को बीट नहीं कर पाए, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजारा पेश करते हुए। स्कोर जा पहुंचा 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी अभी तीसरा ओवर प्रगति पर, बड़ी अच्छी गेंदबाजी, अभी तक इन्होंने एक रन खर्च किया है वो भी ओवर थ्रो के रूप में थोड़ी गलती की वजह से। इस ओवर में अगली बार सुधीर शर्मा, और फिर दिशा से भटके वाइड गेंद और एक रन दौड़ कर और पूरा कर लेंगे बाई के रूप में। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग करते हुए दोनों ही एम्पायरिंग, दाद देनी होगी इस मुकाबले की। और ग्राउंड की बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड ये कटारिया ग्राउंड। इस ओवर में अगली बार, इस बार गेंद की लाइन को मिस गए, रन लेना चाहते थे फिर से लेकिन कोई गुंजाइश नहीं। 16 रन प्रकाश और सुरेश काकड़ खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। किस तरीके से, एक साझेदारी की जरूरत है और फिर बहुत तेज रनों की जरूरत है। वाइड गेंद दिशा से भटके, इस बार एक रन के लिए निकल पड़े और एक रन मुकम्मल कर लेंगे। गेंदबाजी बहुत ही शानदार और एक विकेट और दरकरार है क्योंकि यहाँ अगर साझेदारी बन गई तो फिर कहीं ना कहीं मैच को एक अच्छे मोड पर ले जा सकते हैं। इस बार बढ़िया शॉट खेला, पीछे फील्डर मौजूद, थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजारा पेश किया, रोकते थ्रो करते तब तक एक रन बड़े ही इत्मीनान के साथ पूरा कर लिया। और इस ओवर तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी का है जिन्होंने इस मैच का पहला ओवर किया था और
बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ। एनसील टीम आप सभी का, सभी दर्शकों का, यहाँ के टीम के सदस्यों का, जो भी एम्पायरिंग कर रहे हैं, यहाँ सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। ईश्वर में अगली बार प्रकाश के लिए आए हैं। ये गेंद दिशा से भट के और एम्पायर की बाजुए फैली, एम्पायर को खटके, वही वाइड गेंद। आज थोड़े अतिरिक्त रन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं गेंदबाज, इस पर अंकुश लगाना होगा क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। एक रन पर भी कुछ भी हो सकता है। इस बार बढ़िया शॉट खेला, हल्के से पुश किया और एक रन पूरा कर ही लेंगे लेग बाई के रूप में। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग करते हुए इस मुकाबले में दोनों ही एम्पायर। रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा वेट किया और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंचाया। एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन पे रखा है और एक को काउ कॉर्नर पर रखा है, बाकी पॉइंट कवर और एक गली के अंदर फील्डर मौजूद है। और ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। इस ओवर में अगली बार छोटे कद के लेकिन लंबे रनअप के साथ दौड़ना शुरू किया, हल्के हल्के कदमों से।
बार फिर बढ़िया शॉट खेला, गैप में खेला हुआ, पीछे फील्डर मौजूद, रोक पाएंगे या नहीं? नहीं रोक पाए गए, सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। सुरेश की बहुत ही शानदार, और इन चार रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 30 रन, 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर प्रगति पर, और ये पारी का पांचवा ओवर चल रहा है, उसके बाद पारी के बाकी बचे 5 ओवर रह जाएंगे। इस बार बढ़िया गेंद, और ये दिशा से हट के वाइड गेंद हल्की सी बाहर निकली और एम्पायर की बाजू में फैली वाइड गेंद। हवा में लहराते हुए गेंद बाहर की तरफ निकल रही है आज, और अतिरिक्त रन बहुत ज़्यादा दिए हैं गेंदबाजी टीम ने इस ओवर में। अगली बार लंबे रन अप के साथ दोनों सिरों के, ये गेंद फिर दिशा से भटके, और अतिरिक्त रनों में एक बार फिर इजाफा होता हुआ। और मैं अगली बार ये गेंद सुरेश के लिए, बढ़िया शॉट, क्लास शॉट, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, और पीछे कप्तान बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजारा पेश करते हुए रोक लिया गया है। तब तक रोकते थ्रो करते तब तक बड़े ही आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 34, 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। पारी का पांचवा ओवर प्रगति पर, अगर इसी के मुताबिक रहा तो प्रोजेक्ट स्कोर 72-72 रन है। इस ओवर में अगली बार चलिए दौड़ना शुरू किया, एम्पायर की बगल से निकले क्रीज के कोने से बढ़िया गेंद, और फिर बाजू में फैली वाइट गेंद। लगातार वाइटों पर किसी भी तरह से गेंदबाजी टीम को अंकुश लगाना होगा। दस से 12 रन अभी तक अतिरिक्त रनों में आपने इजाफा कर लिया, तो फिर इसी से आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना स्कोर होना चाहिए और अभी कितना स्कोर है बल्लेबाजी टीम का। चलिए इस ओवर में अगली बार फिर लहराई, फिर गेंद वाइड गेंद, एक बार फिर से लेंथ भूल रहे हैं आज लगातार गेंदबाज। छत्तीस रन एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अगली बार पांच ओवर कंप्लीट होते हैं पारी के, और पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 36, 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं एक जो स्कोर बहुत बेहतर है, क्योंकि नाम बतियो रे गेंदबाज नेम, योगेश जैन,
अच्छे गेंदबाज हैं और इस टीम के कप्तान हैं, गेंदबाजी टीम के छोटे कद के नाटे कद के खिलाड़ी। देखते हैं अपनी टीम को किस मुकाम तक ले जाते हैं। और कल के मैचों में इन्होंने बहुत प्रभावित किया था, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। बड़ा ही शांत स्वभाव के साथ तो मुकाबला चलता हुआ। क्लिक करोगे तो बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। ओ ये गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी स्पिन कराते हैं ये गेंद। योगेश नए बल्लेबाज आए हैं, रमेश। और जोरदार अपील, बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। बहुत जोरदार अपील हुई थी लेकिन अंपायर ने नकारा। रमेश और सुरेश क्रीज पर मौजूद, दो विकेट चलते बने हैं टीम के 36 के निजी स्कोर पर। इस ओवर में अगली बार ये गेंद और एम्पायर की अंगुली ऊपर उठी, एक और सफलता मिलती हुई योगेश को। वर्ल्ड अंतिम गेंद से ऐसे, और ये मेडन ओवर की तरफ अग्रसित होता हुआ ये ओवर, क्योंकि अंतिम गेंद बची है अभी, अभी तक कोई रन नहीं दिया है। लास्ट 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 छत्तीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं, जोरदार अपील लेकिन अंपायर ने नकारा। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 36 रन।
योगेश ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। क्या नाम? पीयूष प्रियांशु। योगेश, पीयूष प्रियांशु। नई गेंदबाज आए हैं प्रियांशु। पारी का सातवां ओवर चलता हुआ। नेशनल क्रिकेट लीग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। और इस ओवर में अगली बार प्रियांशु किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं लंबे रन अप के साथ। वाइड गेंद, अंपायर की बाजू है फैली। सुरेश आज 15 गेंदों में 11 रन बनाकर टिके हुए हैं और कहीं ना कहीं पारी की जिम्मेदारी उन बल्लेबाज पर भी है। काफी अच्छी बैकलिप के साथ खड़े हैं, एकदम सर सीधा। और चलिए प्रियांशु की ये गेंद फिर दिशा से भट के अंपायर की फिर बाजू है फैली। वाइड गेंद, प्रतीक और सुरेश मैदान के बीचों बीच अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 38-3 विकेट के नुकसान पर। पारी का सातवां ओवर प्रगति पर। इस बार बढ़िया शॉट खेला, एक रन के लिए निकल पड़े और एक रन बड़े ही आराम के साथ पूरे के लिए। दूसरे रन के लिए पलटे और तरह के रूप में ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। स्कोर जा पहुंचा 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद फिर से बढ़िया शॉट, गैप में खेला हुआ, पीछे फील्डर मौजूद, रोकते थ्रो करते तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस एक रन की वजह से स्कोर जा पहुंचा 41-41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार अपील कर रहे हैं विकेट कीपर, लेकिन अपील का जो फायदा नहीं मिल रहा है अभी तक। प्रियांशु इस ओवर में अगली बार ये गेंद, इस बार बढ़िया शॉट खेला, निकल पड़े एक रन के लिए। ओ ये गलत थ्रो, अगर थ्रो बराबर सही आता, अगर टाइम पर पहुंच जाता तो फिर पवेलियन जाना पड़ सकता था प्रतीक को, लेकिन सुरक्षित क्रीज पर। इस ओवर में अगली बार उठाना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर जा पहुंचा 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर बढ़िया गेंद, चलिए ओवर की समाप्ति। तो कुल मिला के सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर ने नकार। बढ़िया गेंद और ये वाइड गेंद दिशा से भटके और गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकली और वाइड गेंद। इससे पहला का ओवर था ना, वो बहुत किफायती ओवर रहा है इनका। मेडन और दो विकेट लिए थे पिछले ओवर में और ये वाइड गेंद, एक बार फिर से वाइड गेंद। प्रतीक जानते हैं कि गेंदें अगर अच्छी सी थोड़ी सी खराब आएगी तो एक आध बाउंड्री मिल जाए अंतिम ओवर चाहे आओ। और अंपायर की अंगुली ऊपर उठी, रन आउट के रूप में वापस अंपायर वाइड गेंद। श्रीपाल सिंह स्कोर 44 रन, चौथा विकेट चलता बना। फील्डर का नाम क्या था? फील्डर का नाम क्या है? तो फील्डर ने थ्रो मारा है। तेरा नाम क्या है भाई? ओ बैट्समैन, तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा? और बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, एम्पायर की अंगुली फिर से ऊपर उठी। भाई नाम बताइए बैट्समैन अपना।
किशोर में अगली बार इस बार बढ़िया शॉट, गेंद हवा में नीचे फील्डर पहुंचते हुए, ओ बढ़िया कोशिश की थी लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। योगेश कप्तान साहब ने बहुत बड़ी कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए, कैच को लपक नहीं पाए, बहुत दूर गेंद ने टप्पा खाने के बाद बाउंड्री क्रॉस की। इस ओवर में अगली बार लंबे रन अप के साथ दौड़ना शुरू किया तुषार ने, बार बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आते ही जयपाल ने दो लंबे लंबे हिट लगाए, दो बाउंड्रीज अपने कब्जे में की और इसी की वजह से स्कोर थोड़ा सा एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई टीम। नौवा ओवर पर गति पर ये गेंद, एक बार फिर से उठाना चाहते थे लोगों के ऊपर से लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में, सुरक्षित क्रीज पर जयपाल सिंह। ये गेंद इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही इजी तरीके से एक रन बहुत तेजी के साथ पूरा कर लिया। स्कोर जा पहुंचा 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का अंतिम ओवर, अभी तक 60 रन ही बने हैं और लास्ट ओवर में कितने रनों में इजाफा करते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। श्रीधर शर्मा आए हैं, श्रीधर आए हैं नई बल्लेबाज। स्ट्राइक जयपाल के पास में है, प्रिंस को तीन गेंदें ही खेलने का मौका मिली है। इस बार बढ़िया शॉट, करारा शॉट, गेंद गैप में खेला हुआ, बहुत ही शानदार गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए, किसी के पास कोई मौका नहीं, दो फील्डर देखते ही रह गए और बड़ी तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए, बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए जयपाल, बड़ी अच्छी ताबड़तोड़ इस इनिंग में, तीन बाउंड्रीज शामिल है और सभी का दिल खुश कर दिया इन्होंने भाई, अपनी ओर आकर्षित किया है सभी खिलाड़ियों को और बाहर गेंद हवा में, योगेश थोड़ी दूर गिरी तब तक दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। स्ट्राइक पे उसका नाम क्या है, अब स्ट्राइक लेंगे प्रिंस, प्रिंस अपना राज जमा पाएंगे या नहीं देखते हैं। इस बार बढ़िया हल्के हाथों से प्लेसमेंट किया, एक रन के लिए निकल पड़े और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को, दोनों ही बल्लेबाज अपना शोर बदला, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया जयपाल ने कि अब पीछे बची इस पारी की तीन गेंदें किस मोड़ पर लेके जाएगी, क्योंकि जयपाल की आज बहुत ही पावरफुल पारी, अंतिम ओवर में बहुत ही शानदार गेंद बल्लेबाजी की है आज इन्होंने, दो तीन बाउंड्रीज लगाई है इसी की वजह से स्कोर जा पहुंचा है 66 6 विकेट के नुकसान पर।
इस बार बढ़िया शॉट लेकिन सीधे फील्डर के पास, तब तक दौड़कर एक रन ओवर मुकम्मल कर लिया और इस एक रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 67 रन 6 विकेट। बड़ा अच्छा मुकाबला चलता हुआ अंडर 16 के कटारिया ग्राउंड जयपुर में। इस बार बढ़िया शॉट, अच्छी टाइमिंग, पीछे फील्डर भागते रोकते थ्रो करते, तब तक बड़े ही आराम के साथ दो रन पूरे कर लेंगे प्रिंस। पारी की अंतिम गेंद, स्कोर जा पहुंचा 69 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अगली बार ये गेंद प्रिंस के लिए, इस बार बीट हुए एक रन बाई के रूप में पूरा कर लिया, ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बहुत ही किफायती रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही शानदार, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अच्छा तालमेल। ओवर की समाप्ति और निर्धारित अंडर 16 के पहली पारी समाप्त होती हुई इस मैच की। 72 रनों का टारगेट दिया है गेंदबाजी टीम को, तो बहुत ही बढ़िया पारी जिसमें जयपाल सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान अंतिम के कुछ ओवर्स में। और
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दूसरी पारी की शुरुआत हो गई है, 15 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। एक ओवर पारी का समाप्त हुआ और काफी रन बटोरे हैं, दो बाउंड्रीज आई हैं। नए गेंदबाज आए हैं श्रीपाल, बहुत ही शानदार गेंद। इस बीच इस ओवर में अगली बार लंबे रन अप के साथ तो क्रीज के कोने से ये गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, हल्की सी बाहर की तरफ निकली, जोरदार अपील और वापस जाना पड़ा। बहुत ही शानदार कैच लपका विकेट कीपर के दस्तानों में। योगेश आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ। योगेश के आउट होने के बाद राजेंद्र आए हैं बल्लेबाजी करने। देखते हैं ये किस प्रकार का साथ देते हैं हेमंत को, हेमंत यादव। 15 रन पे ये पहला विकेट चलता बना योगेश के रूप में। इस ओवर में अगली बार वाइड गेंद और अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 16 रन इस वाइड के साथ। एनसीएल टीम के सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार कशमकश चलती हुई इस मैच में। बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, अच्छे से प्लेसमेंट किया, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। एक सफलता श्रीपाल के हाथों में लगी है उनको और ये गेंद बाहर की तरफ निकली और वाइड गेंद। बढ़िया एम्पायरिंग करते हुए शोर में अगली बार, इस बार बढ़िया गए, जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं, लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। स्कोर 17-1, पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। शानदार गेंदबाजी, वापस संभले वाइड खाने के बाद में और इस ओवर में अगली बार बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 17-1।
नए गेंदबाज आए हैं जयपाल, बैटिंग में बहुत प्रभावित किया था इस बंदे ने। चलिए, इन्होंने इस पारी के अंदर, इस मैच के अंदर एक अच्छी पारी खेली थी। इस ओवर में अगली बार लंबे रन अप के साथ आते हुए जयपाल, ये गेंद इस बार लगा है और ये सफलता मिलती हुई, नो बॉल एम्पायर की। नो बॉल, बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग करते हुए बच गई है, बड़ा मौका, एक जीवनदान मिलता हुआ। नो बॉल ने साथ दे दिया, अन्यथा वापस पेविलियम की तरफ जाना पड़ सकता था। बढ़िया एम्पायरिंग करते हुए कटारिया ग्राउंड जयपुर में बहुत ही शानदार मुकाबले चलते हुए नेशनल क्रिकेट लीग के, और स्वागत है सभी दर्शकों का, देखने वाले दर्शकों का अभिनंदन एवं दिशा से भटके और वाइड गेंद। अच्छा सेट प्लेटफॉर्म है, यहां से आप अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका जो एक बेहतर रन रेट और अच्छे जो परफॉर्मेंस देंगे ना, उसी के मुताबिक आप आगे के मैच खेल पाएंगे। इस ओवर में अगली बार लंबे रन अप के साथ जयपाल की गेंद, अब होल्ड कर दिया है इस बार। डेड बॉल करा दी है मेरे ख्याल से, फ्री हिट का फायदा कुछ भी नहीं उठा पाए। जा पहुंचा 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे राजेंद्र, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार शॉट, बहुत देर हवा में रही गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। हेमंत के बल्ले से चौका आया, बहुत ही अच्छी भांप लिया था गेंद को, परख लिया था, पहचान लिया था कि गेंद टपा खाने के बाद किस और जाएगी, और क्या खूबसूरत शॉट लगाया गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए।
एक रन के लिए निकल पड़े, एक रन मुकम्मल किया। स्कोर जा पहुंचा 26, 26 रन पर एक विकेट। विजय सिंह नए गेंदबाज के तौर पर आए हैं, अपने कप्तान के भरोसे को किस प्रकार से साबित करते हैं। चलिए विजय सिंह की ये गेंद, बढ़िया शॉट के इलाका, खूबसूरत कलाया, मजबूत है, थ्रो करते तब तक एक रन बड़ी तेजी के साथ चुरा लेंगे। हेमंत बहुत ही शानदार शॉट खेला, तब तक दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शोर बदला और इस एक रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। फील्ड की बात की जाए तो बहुत अच्छी फील्डिंग सेट की हुई है, मज़ेदार ये गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, इस बार छकाया था लेकिन दौड़कर एक रन बहुत तेजी के साथ पूरा कर लिया, डायरेक्ट थ्रू लेकिन कोई फायदा नहीं। इस बार बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर भागते, रोक पाएंगे नहीं, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजारा पेश किया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, एक बार फिर से संभले हैं वापस विजय। हेमंत आठ गेंदों में 8 रन बनाकर और
राजेंद्र 11 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत कह सकते हैं। जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया शॉट खूबसूरती के साथ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। अगर डायरेक्ट थ्रो होता, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे, दूसरा रन भी बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लिया। लेना चाहते थे तीसरा रन लेकिन मना किया। दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। पारी का पांचवा ओवर पर गति पर। सेवेंटी टू रनों का पीछा करते हुए बल्लेबाजी टीम ने निर्धारित पांच ओवरों में 39 रन बना लिए हैं। तो देखते हैं बाकी के बचे पांच ओवर किस तरह से निकालते हैं गेंदबाज, या फिर किस तरीके से बल्लेबाजी करती हैं टीम। मैच का लुत्फ उठाइए, मज़ा उठाइए, क्योंकि ये टूर्नामेंट नेशनल क्रिकेट लीग का है। तैतीस रनों की और दरकार है अंतिम पांच ओवरों में, तो गेंदें बची हैं 30 और रन चाहिए 33। कुल मिला के मैच वहां पहुंच गया है जहां पर दोनों तरफ जा सकता है। अगर अच्छी आप गेंदबाजी करोगे तो फिर आपके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कहीं ना कहीं मैं गेंदबाजी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ इस पिचेज पर मैंने कहीं मुकाबले देखे हैं जहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम हमेशा जीती है। कटारिया ग्राउंड जयपुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार।
जिस ओवर में अगली बार नए गेंदबाज आए हैं सुरेश, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी गेंदबाजी में, किस तरीके से सबको प्रभावित करते हैं। लंबे रनअप के साथ कैंपार को क्रॉस किया क्रीज के कोने से, ये गेंद बार बढ़िया यॉर्कर लेंथ की गेंद और खराब फील्डिंग प्रिंस की और एक रन मुकम्मल कर दिया। बहुत तेजी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। ये गेंद एक बार फिर से बढ़िया शॉट खूबसूरती के साथ, पीछे फील्डर मौजूद, रोकते थ्रो करते तब तक बड़े ही आराम के साथ। दो रन पूरे कर लिए। स्कोर जा पहुंचा 42 रन एक विकेट के नुकसान पर। 30 रन चाहिए अंतिम 28 गेंदों में। बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। स्कोर जा पहुंचा 43 रन एक विकेट का नुकसान पर। अभी अभी विकेट की जरूरत है गेंदबाजी टीम को, कहीं ना कहीं ये दो साझेदारी बन रही है। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही इजी खेल रहे हैं। हेमंत की दाद देनी होगी आज, बहुत ही अच्छी बात यही है कि वो टिके रहे और इसी वजह से रन भी बने हैं। तो 15 गेंदों में वो 13 रन बनाकर बहुत अच्छी पारी के साथ खेल रहे हैं अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। इस ओवर में अगली बार राजेंद्र उसका साथ दे रहे हैं बखूबी। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजारा पेश करते हुए इस बार बढ़िया शॉट और दोनों टांगों के बीच में से निकल गई। बहुत तेजी के साथ गेंद निकली और तब तक सिंगल पूरा कर लिया। स्कोर जा पहुंचा 44 रन एक विकेट के नुकसान पर और पार्टनरशिप हो चुकी है 18 गेंदों में 29 रन हो गई। तेज भागे पे रोकते थ्रो करते तब एक और रन ओवर पूरा कर लेंगे। छह ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 55 रन 45 रन एक विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद एक रन के लिए निकल पड़े, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजारा पेश किया। नेशनल क्रिकेट लीग फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से आप इस मैचेस को देखिए, इस मैचेस में खेलने का मौका बनाइए। अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा टैलेंट, यहाँ से अब टैलेंट बाहर निकलेगा। आप जितनी कोशिश करेंगे ना तो फिर कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। इस बार बढ़िया शॉट, बहुत ही शानदार फील्डिंग का वो जरा पेश करते हो।
बार बढ़िया गेंद आउट हो सकते थे, लेकिन वापस बैट से गेंद को वापस बैक लिया, स्कोर जा पहुंचा 46 रन। पहुंच गए थे आराम के साथ और उनकी वजह से स्कोर जाऊपा पहुंचा 47 रन, एक विकेट का नुकसान पर विकेट की तलाश में गेंदबाजी थी। और ये कैच में सोता हुआ, पहुंच गए सुरक्षित क्रीज पर। शोर में अगली बार ये गेंद, बढ़िया गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, ओवर की समाप्ति 48 रन। अठारह गेंदों में 24 रनों की दरकरार है, मुश्किल कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कहाँ किस मोड़ पर ले आए या है ना, वो बात है, मतलब जो करोड़पति उसे खगपति कब बना डाले, वो ऐसा गेम है ये क्रिकेट, कब आप सेट होकर खेलते हो और कब आपका विकेट गिर जाए एक गेंद का ही। नए गेंदबाज आए हैं सुरेश, ये गेंद सुरेश का नई गेंदबाज, बढ़िया शॉट, गेंद हवा में बहुत ऊपर गई थी लेकिन नहीं लपक पाए, बहुत आगे आ गए थे, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के। हेमंत शुरुआत से बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार वो बैठे हैं तब तक जीत की उम्मीदें हैं। इस बार बढ़िया शॉट खेला, एक बार फिर हेमंत के बल्ले से बैक टू बैक बाउंड्री। कप्तान सुरेश कक्कड़ हैरान परेशान नजर आते हुए, तो रन कुछ नहीं चाहिए अब, सोलह गेंदों में 16 रनों की दरकार है, टीम को जीतने के लिए 16 गेंदों में 16 रनों की दरकार है, तो मुकाबला बहुत ही बड़ा कशमकश मुकाबला है, रोमांचक मुकाबला बन चुका है, और जब तक हेमंत है तब तक जीत की उम्मीदें हैं, और गेंदबाजी में अगर आपको जीतना है मुकाबला तो फिर आपको कुछ ना कुछ करके गुजरना होगा। अच्छी बात यही है बल्लेबाजी टीम की कि हेमंत आज टिके रहे, डटे रहे और 20 गेंदों में क्या कमाल की पारी खेली है, 24 रनों की एक सदी हुई पारी, और
अभी तक आपका अपना विकेट रोके हुए और लगातार प्रयास करता है कि वो जीत की मंजिल तक पहुंचा कर ही मैदान से बाहर आएंगे। इस बार बढ़िया शॉट खेला, एक रन के लिए निकल पड़े, दूसरा रन पलटना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस एक रन के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ अग्रसित होता हुआ 58-58 रन एक विकेट के नुकसान पर। हेमंत और राजेंद्र, राजेंद्र ने आज 20 गेंदें खेली, 9 रन बनाए, लेकिन हेमंत का बहुत अच्छा स्वागत साथ दिया है। तू साथ दे मैं संभाल लूंगा, वो बात है। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला एक बार फिर से हेमंत के बल्ले से, एक रन और मुकम्मल पूरा कर लिया। 13 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है बल्लेबाजी टीम को। हेमंत तो पहले से भी यही कह रहे थे, थोड़ी जब शुरुआत से धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बिल्कुल खूबसूरती के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति बेहतरीन, कहते हैं ना कि भाई खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, उसी प्रकार हेमंत को देखकर राजेंद्र ने भी अपने गियर चेंज किए और एक बहुत ही शानदार बाउंड्री लगाई। 63 स्कोर जा पहुंचा, तो अब रन चाहिए, मात्र 12 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। बारह गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है टीम को, देखते हैं क्या कर पाते हैं, कहीं किस मोड़ पर लेकर जाते हैं ये नए गेंदबाज। यहाँ बढ़िया गेंद, एक रन के लिए निकल पड़े और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा तो उसके मुताबिक ही खेल रहे हैं हेमंत। बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार, अद्भुत दर्शनीय पारी आज खेली इन्होंने। 25 गेंदों में 26 रन, 23 गेंदों में सॉरी 26 रन आकर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई ये खिलाड़ी। एक और रन मुकम्मल कर लिया, अंपायर का इशारा नो बॉल फ्री हिट। स्कोर 66-1, 11 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। इस बार बढ़िया शॉट, खूबसूरती के साथ गेंद को खेला है डीप, बैक स्टंप कवर के बाहर 4 रनों के लिए। दो रनों की आवश्यकता है, कमाल की पारी खेली आज हेमंत ने, जबरदस्त 24 गेंदों में 28 रन। एक बार बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, बहुत जोरदार अपील, लेकिन स्ट्रेट ड्राइव खेला, एक और रन मुकम्मल कर लिया, अब रन चाहिए एक ही। सॉरी 3 रन चाहिए,
हमारे स्कोरर बता रहे 3 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया ये जानकारी देने के लिए। बढ़िया शॉट खूबसूरती के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन कर ये मुकाबला बड़े ही आराम के साथ जीता। हेमंत और राजेंद्र की बखूबी बल्लेबाजी और इस मैच में भूल न जाना योगेश की भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी, जिन्होंने 4 अहम सफलताएं हासिल की थी अपने 2 ओवर के कोटे में। बहुत ही शानदार आज वो बैटिंग में थोड़े चले नहीं, पुल ऑफ रहे आज, लेकिन गेंदबाजी में बहुत ही शानदार अद्भुत प्रदर्शन। मैन ऑफ द मैच योगेश सैनी। सीकर से आते हैं योगेश, योगेश और वो बहुत बढ़िया मुकाबला रहा, देखने लायक रहा। और ये होती है क्रिकेट अनिश्चितताएं। क्या खूबसूरत पारी खेली आज, कमाल कर दिया हेमंत ने। चलिए कुछ देर बाद मैं वापस फिर से इसी मैदान के अंदर फिर से कमेंट्री बॉक्स में आपका स्वागत होगा। थोड़ी देर के लिए दे इजाजत, धन्यवाद।